नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज ने की कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा, गरोट में भ्रष्टाचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में सीएम हाउस के घेराव की कोशिश। कंप्यूटर बाबा ने भाजपा और सिलावट पर जमकर निशाना साधा। मंदसौर जिले के गरोट से भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नवीन पावती बनाने के नाम पर 1500 रुपयों की मांग की जा रही है। वीडियो के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि पटवारी अपना काम खुद नहीं करते और अपने काम के लिए एक सहायक रख लेते हैं, जो सहायक काम करवाने के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कार्यवाही करता है। अब हम आपको बता दें कि अभी तक वायरल वीडियो की कोई पुष्टि नहीं की गई है। राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। मौका स्तर पे बनाऊंगा ना, सर्वे नंबर पे देखना पड़ेगा, कैसे हम कहीं जगह मरी हो, वहां देखना पड़ेगा अपना। मैं इधर चौकीदार हूं, बनाम तो देखियो, चौकीदार चौकीदार ने तो देखियो। अरे 200 रुपये तो चालान कटे, और मैं अड़ी लेके गिरो हूं, पैसा लागे देती थी काम में, कम से कम अधिकारी तो साइन कराओ जाऊँ तो 500 घंटे तो माना दांगा नहीं कि फोकट में साइन कर देगा तहसीलदार साहब, फोकट में करेंगे भैया आदमी बेबाजी में पत्रों पढ़ो, पैसा लागे वहाँ मन था 1500 क्या थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बात की। शिवराज ने कहा कि हमारे कोरोना योद्धा 6 महीने से अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं, इसीलिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही पुरुषोत्तम शर्मा के मुद्दे पर शिवराज ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति गैर कानूनी काम करेगा तो कार्यवाही भी की जाएगी। आज थोड़ी आवाज पीछे बंद कर दें। आज हमारे वो कोरोना योद्धा जो लगातार पिछले 6 माह से अपनी जान अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के कोरोना से दूसरों की जान बचा रहे हैं, आज हमने उनका सम्मान किया। जो दूसरों की जान ले वो दुष्टात्मा, जो दूसरों की जान बचाए वो महात्मा, लेकिन जो अपनी जान खतरे में डाल के दूसरे की जिंदगी बचाए वो तो परमात्मा ही होता है। और हमारे कोरोना योद्धा जिनमें डॉक्टर भी है, नर्सेस भी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे पुलिस के साथी है, रेवेन्यू के कर्मचारी अधिकारी हैं, सब निचले तक के का अमला है हमारा, उनके प्रति स्नेह सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने, धन्यवाद ज्ञापित करने आज का कार्यक्रम रखा गया था। आज विशेषकर चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का कार्यक्रम था। आने वाले समय में पुलिस के साथी जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इस महामारी में काम किया है, और रेवेन्यू के भी हमारे साथी और भी बाकी संबंधित, उनका भी सम्मान किया जाएगा। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहारे ही हम एक ऐसी महामारी जिसके बारे में आज पता ही नहीं हमें कि उस महामारी कहाँ तक जाएगी, कब तक चलेगी, वैक्सीन आज तक बनी नहीं है, उस महामारी से लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्यार, उनका आदर, उनका सम्मान, क्योंकि एक लंबी लड़ाई उनके साथ हमें कोरोना से लड़नी है। और जनता से यही अपील कि अभी तो मास्क ही वैक्सीन है, और कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, इसलिए नियमित मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क अगर लगा होता है तो 98% कोरोना से बचाव होता है। आप सुरक्षित रहें, आप बचे रहें, और संकल्प ये कि
व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए इस महामारी से जंग जारी रहेगी और जनता के सहयोग के दिन जनता के सहयोग के साथ एक दिन वो जरूर आएगा जब हम इस महामारी से जीतेंगे। न्यायिक जांच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें FIR दर्ज होगी, न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में रेत घाट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकाग्रित हुए और मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया। विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि शिवराज सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने से प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी है। इस प्रदर्शन पर CSP बिट्टू शर्मा ने बताया कि शामला हिल्स पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री का प्रदर्शन क्या? देखिए, हम चाहते थे विधानसभा में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। हम चाहते थे कि कोरोना पीड़ितों का इलाज क्यों नहीं मिल रहा, वो इलाज होना चाहिए। अस्पतालों में ये हाल है, किडनी पेशेंट को नहीं देख रहा, हार्ट पेशेंट को नहीं देख रहा, जितने पेशेंट है उनको नहीं देखा जा रहा। कोरोना के नाम पे सब कुछ बंद है। जो सैंपल यहाँ पे 900 से और 1,000 रुपए में होता है, वो 1,000 रुपए की जगह 2300 रुपए 2500 रुपए में अहमदाबाद से क्यों कराया जा रहा है? ये सारे सवालों के जवाब थे जो विधानसभा में आना थे, जिससे ये सरकार बच गई। अब आज हम ये बात सड़कों पे करने आए। मुख्यमंत्री जी, मेहरबानी करके मध्य प्रदेश के करोड़ों पीड़ितों को इंसाफ दो, इलाज कराओ, जो केंद्र की गाइडलाइन है हर अस्पताल उनका इलाज करे, तमाम पेशेंटों का करे, ताकि इस महामारी से बच सका जाए। भाई, ये मांगों को अगर पूरे नहीं करता, अगला आपका एक्शन क्या होगा? देखिए, हम तो आज ही मुख्यमंत्री निवास जाना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया। अब हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि हम हड़दंग कराएं। हमारा मैसेज कोरोना के साथ ईमानदारी से कोरोना पेशेंट की लड़ाई लड़ना है, इसलिए हम अपने आंदोलन को यहाँ समाप्त करें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान से पार्टी ने 11,000 लोगों से संपर्क कर उन्हें पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया है। वहीं पुरुषोत्तम शर्मा के केस पर उन्होंने कहा कि अगर लिखित शिकायत होती है तो मामले की जांच और कार्यवाही जरूर की जाएगी। आगामी 28 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां पार्टी स्तर पर चल रही हैं, उसमें पिछले दिनों से अनेक कार्यक्रम 28 विधानसभाओं में हो रहे हैं। पिछले समय पार्टी के द्वारा सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर से 27 सितंबर तक के लिए महाजनसंपर्क अभियान पार्टी ने निश्चित किया है। इस महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी के हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर घर घर जाना था, जनसंपर्क करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना, जो कुछ विषयों को लेकर कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई उसके बारे में जानकारी देना, घरों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाना, स्टिकर लगाना और घर घर जनसंपर्क करना। इस अभियान के अंतर्गत 3 दिन में 28 विधानसभा के 7800 बूथ पर, जिसमें से 6000 बूथ तक महाजनसंपर्क अभियान कल तक हुआ है। लगभग 11,00,000 परिवारों से
संपर्क हुआ है, तो महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं सभी 28 विधानसभाओं में। आगामी कार्यक्रम की दृष्टि से आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती के अवसर पर अवसर से 15 अक्टूबर तक सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो 127 मंडल हैं सभी 127 मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में हमारे बूथ के सभी बूथ कमेटी, बूथ के हमारे पेज प्रमुख, बूथ के सभी हमारे मोर्चों की कमेटियां, इस श्रेणी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और ये जो अभियान चलेगा, ये जो कार्यक्रम चलेगा, इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। और एक दिन में एक वरिष्ठ नेता 2 मंडलों तक पहुंचेगा। इस तरह से ये 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। ये आगामी कार्यक्रम निश्चित हुआ है, उस कार्यक्रम की जानकारी की दृष्टि से आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुख्य रूप से महाजन संपर्क अभियान में सफलतापूर्वक हम लोग 11 लाख परिवारों तक पहुँचे हैं। हाल ही में प्रदेश डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के घरेलू हिंसा वाले वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया में हड़कंप मच गई है। मामले की तेजी पकड़ने पर आखिरकार पुरुषोत्तम शर्मा को सामने आना ही पड़ा। पुरुषोत्तम शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पत्नी कैंची से हमला कर रही थी और थोड़ी हमारे बीच में झूमाझटकी हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है जिसे वे आपस में सुलझा लेंगे। बिल्कुल सर, आप उसमें कैसे दिख रहे हैं वीडियो में कि आप पर कैची से अटैक हुआ और आपके हाथ में हमने चोट भी देखी है? मुझे कोई चोट नहीं दिखाना है, ये हमारा झूमा झटकी का मामला है, हम पुनः घर की चार दीवारी में बैठ के इसको सुलझाएंगे। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने को है, इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में संत कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली। ग्राम बरौली में यात्रा का कांग्रेसी नेताओं सहित जोरदार स्वागत किया गया। आयोजन के दौरान कंप्यूटर बाबा भाजपा और तुलसी सिलावट पर जमकर बरसे और बाबा के प्रति लोगों का उत्साह और उमंग साफ देखने को मिला, जो उपचुनाव पर खासा अच्छा असर डाल सकता है। मिलावट जी इस जनता जनार्दन का, क्योंकि इन्होंने वोट दी थी, इनका भला करेंगे, इनके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, पर ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सिंधिया का भला कर रहे हैं, तुम्हारा भला नहीं कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से, यहाँ माताओं बहनों से, सभी से कहना चाहता हूँ, दगा इन्होंने जो दगा किया है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया ना हो तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किया है उसके घर जा कर देखो। संतोष व्यास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में एडीजी मेरठ जोन में निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली का निरीक्षण किया। वहीं एडीजी के आने की सूचना मिलते ही बलात्कार से पीड़ित महिला, 1 महीने से लापता किशोरी के परिजन समेत अन्य फरियादी फरियाद सुनाने के लिए कोतवाली पहुंचे। देखिए, जो निरीक्षण का मेन उद्देश्य है वो ये कि हमारे जो अपराध नियंत्रण की जो मुहिम है उसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, ताकि हम जैसे टॉप 10 की सूची है, टॉप 10 के अपराधियों के खिलाफ हमारे पास क्या क्या सूचना है, उनके कौन मददगार हैं, क्या उनके पास असला है, ये सब चीज़ों के लिए यही चीज़ें चेक की, काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है जिसके बारे में बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं या जो हमारे गुंडा एक्ट की जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है उनके बारे में भी सूचना तस्दीक की गई, प्लस हमारे जो मुकदमे चल रहे हैं विभिन्न कोर्ट्स में उनकी अद्यतन स्थिति क्या है उसके बारे में भी निरीक्षण किया गया। जैसा आपने देखा कि आर्म्स एंड एम्युनिशन का डिस्प्ले हुआ यहाँ पर, तो आर्म्स एंड एम्युनिशन की भौतिक निरीक्षण रहता है भी किया गया। साथ में हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनके जो वेपन्स हैं, जो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे खोलना जोड़ना है, ये सब चीज़ें चेक की गई। संतोषजनक रहा, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या साइबर क्राइम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
एक टीम बनी हुई है, लेकिन उसके लिए अलग से एक रेंज स्तर का की साइबर सेल जो साइबर थाना का गठन हुआ है। मेन कोशिश ये है कि साइबर अपराध की विवेचना में जो मेन बिंदु है उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को ट्रेन कर पाए। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीटी रूपेश द्विवेदी ने खुलासा करते हुए बताया कि चीमनगंज थाने में पूर्व में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कि पूछताछ में कई चीजें सामने आई थी, जिसमें महिला ने नाबालिग लड़की को आरोपियों को 5,000 में दुष्कर्म के लिए बेच दिया था। सोमवार को दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 5,000 रुपये भी जब्त किए हैं। पूर्व में भी ये दोनों आरोपी वेश्यावृत्ति के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। थाना चिमनगंज क्षेत्र में एक प्रकरण आया था जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ में गलत काम करने की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट पर से जो कार्रवाई की गई है उसमें ये जो और पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं, उस नाबालिग बच्ची को एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक सहेली उसकी बनी, उसकी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद में फिर उनका मेल जोल शुरू हुआ और उस सहेली के साथ में जब वो एक बार घूमने गई तो वहाँ पर कुछ लड़के मिले और उसको साथ में लेकर गए और उसके साथ में गलत काम किया। जब वो आई तो उसने रिपोर्ट लिखाई अपनी माँ के साथ में, मेरे साथ गलत काम हुआ है। जब आरोपी अपचारी बालक का वो जब पूछताछ किया गया, पकड़ा गया, तो उसने बताया कि एक लेडी है जो इस तरह के काम करवाती है और वो इस पूरे कार्य का संचालन करती है और इस तरह के बच्चों को उपयोग करती है। इसमें जो दो मुख्य आरोपी हैं जो ये काम करवाते हैं, इनमें से एक सतीश राठौर है और एक कुसुम उर्फ गुड्डी है। ये दोनों जो हैं ये गलत काम करवाते थे और इन सतीश राठौर जो है ये पहले भी वेश्यावृत्ति के प्रकरणों में पकड़ा गया जा चुका है। इस प्रकार ये जो दोनों मुख्य अभियुक्त हैं इनको भी पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त जो पांच और अभियुक्त थे उनको भी पकड़ा गया, उनको न्यायालय प्रस्तुत किया गया। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना बाबूगढ़ के NH-9 पर गांव सिखेड़ा मुरादाबाद में किसानों और मजदूरों का पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि उनकी 2000 बीघा खेती की जमीन निर्माणाधीन कार्य के पीछे आ रही है, जिसके चलते उन्हें अपने खेतों पर जाने के लिए एक अंडरपास की जरूरत होगी। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं और किसानों ने ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को सौंपा। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी ही गेम रेंजर महिला ज्योति छाबड़िया के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुख्य वन संरक्षण कार्यालय के बाहर करीब 10 रोज पहले दिए गए आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज होकर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला अफसर को हटाए जाने के आश्वासन पर कर्मचारी फिलहाल काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सामूहिक अवकाश पर जाना चाह रहे थे, क्योंकि तिगरा रेंज में जम के भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 5 वर्षों में। ये 5 वर्ष से लगातार श्रीमती ज्योति छावरिया गेम रेंज ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। इनके द्वारा अपने विश्वास पात्रों के माध्यम से अनेकों कार्य ऐसे कराए गए हैं जो मौके पर मौजूद ही नहीं है। जिन हर क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और फर्जी वाउचरों पर दस्तखत कराने का दबाव बनाया जाता है स्टाफ के ऊपर। अभी भी 3 महीने से लगातार इनके द्वारा कराए गए कार्यों के प्रमाण ही नहीं भेजे जा रहे थे और स्थानीय तौर पर ही लौटाए जा रहे थे। अभी जब अब हमारे स्टाफ को वाउचर लेके गया तो उसको साफ मना कर दिया, ये वाउचर लगेंगे ही नहीं, जिनने काम किया उनके वाउचर नहीं लगेंगे। जो फर्जी वाउचर खुद बनवा के लाई थी वो कहीं इन पर दस्तखत करो, ये साइन क्यूआर हो गए तब ये पास होंगे, तो उनके द्वारा फर्जी वाउचर पर दस्तखत कराने का दबाव बनाया जा रहा था। पिछली साल भी आपको याद होगा हमारे द्वारा एक वनपाल थे हमारे यहाँ पर प्रजा सिंह जादौन, वो लापता हो गए थे, आपको भी पता होगा। अभी भी वो बाबा बन के चले गए इनके डर के मारे। कई लोग ऐसे हैं जो इनके दबाव में पूरा स्टाफ तिगरा रेंज का सारा स्टाफ यहाँ इकट्ठा है। हमने शिकायत की थी, DFO साहब को बताया था, उन्होंने के द्वारा कहा गया था कि आप एक हफ्ते का इंतज़ार कीजिए, एक हफ्ते में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज आखिरी दिन था, चूँकि कल से आचार संहिता लग रही, हमें पता था, इसलिए हम आज भी इकट्ठे हुए थे कि ये निवेदन करें कि क्या हुआ जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।